गाइस हाइपर ओएस यानी कि शाओमी हाइपर ओएस की जो अपडेट्स आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ पर शाओमी ने स्टार्ट कर दी है। अगर जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा बीटा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो भाई हाइपर ओएस का जो अपडेट है वो सबसे पहले उसको ही देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो भाई ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मॉडल्स हैं रेडमी शाओमी और पोको के जिनके लिए यहाँ पर हाइपर ओएस की जो टेस्टिंग है वो शाओमी ने स्टार्ट कर दी है। रजिस्ट्रेशन अगर आप अभी करोगे तो सबसे पहले आपको हाइपर ओएस का अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो लॉट्स ऑफ डिवाइस हैं उनके लिए यहाँ पर टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। इवन यहाँ पर आप अगर इंडिया में रहते तो इंडिया की भी टेस्टिंग स्टार्ट है, इसको रजिस्टर आप यहां से कर सकते हो। तो उसके लिए यहां पर प्रोसेस सेम रहने वाला है, जैसे हमने MIUI 14 में रजिस्टर किया था तो उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि जो MIUI 13 MIUI 14 में रजिस्ट्रेशन बीटा के चल रहे थे सेम उसी तरीके से है और ये वही फॉर्म है, उस तरीके से आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जो हाइपर ओएस का अगर आप यहां पर सेलेक्ट हो गए तो जो हाइपर ओएस का अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, डायरेक्टली आप इस साइड पर आ जाओगे। हालांकि मैंने यहां पर एक रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पर इस लिंक पे आ जाना है। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखेगा, आपको स्टार्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट और एग्री करोगे तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। चलिए मैं इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको रजिस्टर करना है। तो सबसे पहली जो स्टेप है इस पर यस करके जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सेम वही करना है, वरना आपका जो अकाउंट है बीटा वो अप्रूव नहीं होगा और आपको बीटा अपडेट नहीं मिलेगा। जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने किसी भी डिवाइस में जो है वो यहां पर रजिस्टर करना है। तो नेक्स्ट कर देना है, दूसरी स्टेप में जाएंगे इसमें भी यस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, फिर यहां पर यस करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर यस करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, देन अगेन यस करेंगे, क्योंकि यहां पर पूछ रहा है आपके पास MI अकाउंट है या नहीं। तो यहां पर यस करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर बोलेगा कि यहां पर आपको जो बीटा अपडेट वगैरह जो है रिक्रूटमेंट के कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हो सकते हैं तो उसके लिए भी आपको यहां पर यस कर देना है। फिर से यहां पर यस कर देना है, यहाँ पर भी आपको यस कर देना है, यस करके नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट वाले बेस आई एग्री इस तरीके से ये जो है केयरफुली एग्री वगैरह जो है कर देना है। अब यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस सेलेक्टेड हुए हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है तो उनको यहाँ पर आप देख लेना। पहले हम MI के डिवाइस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे Xiaomi 13 सीरीज के सारे मॉडल मिले, क्योंकि Xiaomi 13 सीरीज को ही पहले यहाँ पर जो है वो अपडेट देखने को मिल रहा है। Xiaomi 12 Pro है, पैड सीरीज है, Xiaomi 11i 11i हाइपर चार्ज मिल जाता है, Xiaomi 11T Pro वगैरह मिल जाता है और यहाँ पर 11 सीरीज के काफ़ी सारे मॉडल्स मिलते हैं। अभी मैं बात करूँ Redmi सीरीज की तो Redmi पर हम एक बार देखते थे, Redmi 12 है और यहाँ पर Redmi 12 5G मिल जाता है, Redmi Note 12 मिल जाता है, Redmi 12C मिल जाता है, Redmi Note 12 5G मिल जाता है, Redmi Note 12 Pro Plus ये सारे मॉडल्स मिलते हैं, Redmi 11 Prime मिल जाता है, Redmi Pad मिल जाता है, Redmi K50i है, Redmi Note 11 Pro मिल जाता है, Redmi Note 11 Pro Plus मिल जाता है, Redmi Note 11 जो कि हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं ये वाला मॉडल भी यहाँ पर सेलेक्टेड है, और यहाँ पर Redmi 11S है, यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Max भी आपको मिल जाता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। Redmi 10 है, Redmi 10 Prime है, Redmi Note 10 भी यहाँ पर अवेलेबल है, Redmi Note 10S है और यहाँ पर Redmi 10A है, और जो पुराने मॉडल्स हैं उनको हमें रजिस्टर नहीं करना। तो मैं यहाँ पर Redmi Note 10S के लिए रजिस्टर कर रहा हूँ, Redmi Note 10S सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक आपकी जो MI ID है वो यहाँ पर देख लेना, तो MI ID यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ पर जैसे भी आप यहाँ पर सेटिंग में आओगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे Xiaomi अकाउंट के नाम से फीचर मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना तो आपकी यहाँ पर जो ID है वो देखने को मिलेगी। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी ये जो Xiaomi की ID है इसको आपको यहाँ पर से कॉपी कर लेना, देख सकते हैं कॉपी सक्सेसफुली। अब क्या करना है हमें बैग जाना है और यहाँ पर डाल देना है, तो यहाँ पर हम डालकर इसको जो है वो मतलब यहाँ पर फिल कर देना है, देन नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपके फ़ोन में जो यहाँ पर मतलब इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली है, ऑनेस्टली आपने सही फिल की है, तो उसके बाद यस करके ओके कर देना है। अब आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द क्लोज बीटा यूज़र परमिशन, ये जो आपने प्रोग्राम है वो हो गया है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है। आपको सेम इसी तरीके से आपके फ़ोन में यहाँ पर रजिस्टर करना है, जिससे क्या होगा आपका फ़ोन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से रजिस्टर हो जाएगा। हालांकि मैंने पोको के बारे में आपको नहीं बताया है तो मैं पोको डिवाइसेस के बारे में ही बता देता हूँ, पोको के कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि पोको में कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये मेरा Redmi Note 11 है, इसमें मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, हाइपर ओएस सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी स्टेप जो है वो आप यस वगैरह जो है ओके करते चले जाइए। उसके बाद हम यहाँ पर पोको के बारे में देख लेते हैं पोको में कौन से मॉडल्स हैं। तो आप देख सकते हैं पोको में C55 है, पोको X5 Pro 5G है, F4 है और यहाँ पर M4 Pro है, M4 5G है, X3 है
और यहाँ पर F3 GT है, C3 है, M3 है, और यहाँ पर X3 Pro, M3 Pro, X2, M2 Pro वगैरह, ये जो ओल्ड है उनको हमें नहीं लेना है, लेकिन जितने भी नए हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये जो मॉडल्स हैं और ये जो डिवाइस हैं इनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप ईज़िली जाकर यहाँ से रजिस्टर कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट्स यहाँ पर आएगा वो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आएंगे वो यहाँ पर सबसे पहले बीटा टेस्टर्स को ही देखने को मिलते हैं। तो बहुत सिंपल सा वे है, आप यहाँ पर ये चीज़ जो है वो कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब जैसे भी कोई भी अपडेट आएगा, हालांकि अभी अगर MIUI 14 का भी आता वो भी मुझे सबसे पहले मिलेगा, और जो हाइपर ओएस आएगा वो भी मुझे सबसे पहले मिलेगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए, आगे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।